जो डिक्टेटर है, जो चोर लोग है, उनका ऊपर नेगोशिएशन कर रहा है बोले तो गवर्नमेंट को शर्म आना। इलेक्शन से हम डरने वाला नहीं है। हमारा डिमांड में एक डिमांड है, वी वांट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड यूनियन बोल के। गवर्नमेंट को शर्म आना। डेमोक्रेटिक सेटअप कहाँ पे? जिला पंचायत, तालुका पंचायत इलेक्शन नहीं हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट विल राइट टू इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस। जो डिमांड है गवर्नमेंट सिक्स्थ पे कमीशन, उसको हम फुलफिल करना, क्योंकि हम जो साइकिल जाता पे आ रहे हर जिले में, ये गवर्नमेंट को शर्म होना। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, शाहिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फाइन आर्ट डिजाइनर्स, चिलबुल फर्नीचर एंड लाइटिंग, स्पार्कल्स इंटरनेशनल स्कूल एंड बाय इजी बाय। इसलिए माय गवर्नमेंट को आई एम डिमांडिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू फुलफिल ऑल द डिमांड्स विच हैव बीन जिनाइन एंड वेरी रीजनेबल। हमारा जितना भी यानी कि हमारा कल्याण कर्नाटक का जो प्रेसिडेंट है शौकत अली आलूर साहब, सबका डिमांड एक ही है, वी वांट गवर्नमेंट जो अश्योर करे वो फुलफिल करना। और एक चीज़, 99% जो वर्कर्स है वो हमारा कूट चंद्रू का लीडरशिप में है, उनका साथ नेगोशिएशन करके आप जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो सिक्स पे कमीशन है वो इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का फर्ज है, जिम्मेदारी है। ये नहीं ये हुआ तो, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप लोग सोचते 1,30,000 लोगों का वोट नहीं आए तो हम चुन के आते बोल के। गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक पब्लिक मूवमेंट है। मैं KSRTC का एम्प्लॉय नहीं है। शौकत अली साहब KSRTC का एम्प्लॉय नहीं है। वाई वी आर सपोर्टिंग दिस यूनियन बोले तो ये एक पब्लिक सर्विस है। ये पब्लिक सर्विस है। आम लोगों को तुम्हारा वजह से जो कमजोर होते वो इलेक्शन रिजल्ट में मालूम होते हैं आपको, उसको मौका मत दो। बसराज बोम्मई साहब का ऊपर हमको भरोसा है। उन्होंने एक पढ़े लिखे इंजीनियर है, उन्होंने भी एक एम्प्लॉय होके बाद में CM बनने वाला आदमी है। इफ़ यू हैव गॉट रेस्पेक्ट फॉर द वर्किंग क्लास, काइंडली अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट ऑफ दीज पीपल एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट जो सिक्स पे कमीशन। हमारा चंद्रू बहुत रीजनेबल है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अब 7th पे कमीशन देने को जा रहे हैं, इन्हों 6th पूछ रहे क्योंकि ये लोगों का फर्ज है, जिम्मेदारी है। इतना करे तो खाली सारी के नौकर खुश नहीं होते, आम लोगों का सर्विस फुलफिल होते बोल के हमारा जो डिमांड है, इसको बहुत जल्दी गवर्नमेंट फुलफिल करना बोल के मैं आई एनफोर्स द गवर्नमेंट थ्रू द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कलबुर्गी पे जितना भी एजिटेशन हुआ सक्सेस हुआ, ये एजिटेशन भी कलबुर्गी से सक्सेस होना बोल के मैं आशा करता हूँ। नमस्कार। ये होराट उद्देश्य ऐन अंतर्रे इवत सारे नौकर वेतन आयोग रचने अंत सारे नौकर मेल नीतक दब्बाड़े ऐन दौर्जन्य अंत दब्बा निंत मत इन भाला मुख्य ऐन सारे संस्थे ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಅತಿ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದಂಥ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೊಲಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನೌಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ವೇತನವನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಏನಂತಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕಲು ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಕೆಬಿಎನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಶಾಹಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್, ಚಿಲ್ಬುಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಈಸಿ ಬೈ.